नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में देवोत्थानी एकादशी पर बांटे तुलसी के पौधे, उतारी बिंदु माधव की आरती, गंगा की सफाई व तुलसी के पौधे वितरित कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। देव दीपावली पर्व के पूर्व गंगा घाटों पर सफाई के लिए नमामि गंगे के सदस्यों ने कमर कस ली है। देव उठनी एकादशी पर मंगलवार को नमामि गंगे के सदस्यों ने पंच गंगा घाट, दुर्गा घाट, ब्रह्मा घाट पर श्रद्धालुओं द्वारा की गई गंदगी को एकत्र किया गया तथा लोगों को गंदगी न करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही काशीवासियों से गंगा स्वच्छता से जुड़ने की अपील भी की गई। सदस्यों ने माताओं बहनों के साथ पंच गंगा घाट पर तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह व आरती कर समाज में रोगों से मुक्ति की कामना की। बिंदु माधव की आरती उतारकर माखन मिश्री का भोग लगाया। प्रबोधिनी एकादशी के उपलक्ष्य में पंच गंगा घाट पर बड़ी तादाद में उपस्थित श्रद्धालुओं में तुलसी के पौधे का भी वितरण किया गया। नमामि गंगे टीम ने सभी को पर्यावरण संरक्षण गंगा स्वच्छता के लिए भी संकल्पित किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड अम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा स्वच्छता के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जगाने का यह पर्व एक प्रकार से अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति जागने और जगाने का पर्व है। स्वच्छता की प्रतिबद्धता के लिए संकल्प, साफ सफाई और जागरूकता से माँ गंगा नित निर्मलीकरण की ओर अग्रसर होगी। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड अम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, निधि अग्रवाल, रागिनी सिन्हा एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।